एक तरफ प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 75वां आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं अभी तक नसीब नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले के श्यामगढ़ नगर की, जहां के रहवासी अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नगर परिषद के जिम्मेदारों की लापरवाही से सैकड़ों रहवासी आए दिनों बीमार होते हैं, और पड़े भी क्यों ना, यहाँ साफ सफाई का कोई नामो निशान तक नहीं है और यहाँ के प्रशासन इन सभी मामलों से बेसुध है। इसमें देखने वाली बात ये होंगी कि जिम्मेदारों के कानों में कब तक जूरेंगेंगी। तो ये हो रही है कि हमारे घर के पीछे इतना गंदे वड़ा हो रही है, अगर पानी पड़ जाएगा तो हमारे घर में पानी घुसेगा। ये हम इतने परेशान हैं और बीमार खुद हो रहे हैं हम। अच्छा। ये हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम नगर पालिका में कम से कम एप्लीकेशन कितनी दे दी हमने, तहसील में भी दे दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कब से हो रहा है यहाँ पे? ये कब से कम, हमें 20 साल हो गए इस गड्ढे को नाम को जीतते जीतते। हमारे घरों में पानी तक निकल गया, नगर पालिका खुद देख के नहीं गई हमारे घर में पानी। अच्छा। ये ऐसे कब तक हम बीमार हो रहा है इससे, इंसान मर रहा है हम इससे, कब तक रहेगा ये ऐसा? नगर पालिका हमारी सुन ही नहीं करती। कौन सा मोहल्ला है ये? स्कूल बाउंड्री है सर के। जब से हम रहवासी इलाका बना इधर हमारे इधर, जब से अभी तक नगर पंचायत का एक भी कर्मचारी साफ सफाई के लिए नहीं आया। नालियां गंदी पड़ी हुई है, ठुसी भी पड़ी है, घरों के अंदर पानी घुसता बरसात में, गड्ढा पूरा भरा पड़ा है, जानवर घूमते उधर, और रात में सांप बिच्छू भी घुसते हैं। कोई भरोसा नहीं, और हमारे घर वाले परिवार वाले पूरे बीमार रहते हैं उस गड्ढे की वजह से। आवेदन भी दे दिया नगर पंचायत में, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नगर पंचायत को बोलोगे मोरम भरो इस गड्ढे के अंदर, तो बोलते रास्ता नहीं है, रास्ते में सामने वाले ने अतिक्रमण कर रखा है दीवार का। अतिक्रमण किसने कर रखा है? सादिक पूरे सिंह ने। ये कब से कर रखा है? कब से कर रखा है? पहले भी बहुत बार आवेदन।